हेलो फ्रेंड्स, सुसुमनस किचन में आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू मटन करी का रेसिपी। आप बहुत ही क्विकली और बहुत ही इजीली इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, आज का इस मज़ेदार रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधा किलो मटन लिया हो। अब इसके ऊपर हमने ऐड कर दूंगी टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक। उसके बाद हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया हूँ और उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करके ढक करके 30 मिनट के लिए रख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई को गरम कर लिया हूँ और जब गरम हो जाएगी तब मैंने यहाँ पर देखो थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड करके ऐसे तरह पोटैटो को सारे फ्राई कर लिया हूँ। और फ्राई हो जाने के बाद इस कढ़ाई में और भी थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया हूँ और 1 टेबल स्पून मैंने घी ऐड कर दिया हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ दालचीनी, लवंगो और इलायची। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखो ऐसी तरह चॉप्ड करके प्याज का टुकड़ा ऐड कर दिया हूँ। उसके बाद हमने इस प्याज का टुकड़ा को अच्छे से फ्राई कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया ताकि ये प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद देखो हमने ऐसे तरह सारे प्याज को फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद हमने 3 ग्रीन चिली ऐड कर दिया हूँ और उसके बाद हमने ये फ्राई कर लूँगी। और जब ऐसे तरह फ्राई हो जाएगी तब हमने इसका अंदर ऐड कर दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। मैंने यहाँ पर देखो 4 टेबल स्पून के तरह यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया हूँ और उसके बाद सारे हमने अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो देखो यहाँ पर हमने ऐसे तरह सारे मसाला को फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और रेड चिली पाउडर का ऐड कर दिया हूँ। और मैंने मटन के अंदर रेड चिली और टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कर दिया। और जब सारे अच्छे से फ्राई हो जाएगा और तेल छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा तब हमने यहाँ पर देखो मटन का यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ और उसके बाद हमने इस मटन को अच्छे से पकाते रहूँगी। और उसके बाद यहाँ पर देखो धीरे धीरे तेल निकलना भी स्टार्ट हो गई है, तो मैंने यहाँ पर ढक करके अच्छे से ये कुक कर लूँगी। तो देखो ये धीरे धीरे कितना तेल निकल रही है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया हूँ। मैंने यहाँ पर पहले से नमक ऐड कर दिया थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर टोमेटो प्यूरी बना के यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ, एक मीडियम साइज का टोमेटो। और उसके बाद ये टोमेटो ऐड करने के बाद देखना कितना तेल निकालेगी। तो देखो मैंने यहाँ पर इसको ढक कर दूंगी और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम करके रख दूंगी ऐसे तरह। और यहाँ पर 5 मिनट बाद देखो कितना तेल निकलना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने ऐसे तरह ही इस मटन को पकाते रहूँगी और उसके बाद हमने 5 मिनट हाई फ्लेम पर इसको पकाते रहूँगी। और उसके बाद हमने यहाँ पर आलू को ऐड कर दूँगी। तो देखो मैंने यहाँ पर आलू का साइज थोड़ा बड़ा ही रखी हूँ, आपके तरह साइज ऐड करना। यहाँ पर बड़ा साइज ऐड करोगे तो यहाँ पर गलने का चांस नहीं रहेगा, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा साइज का आलू यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको 5 मिनट ऐसे ही पकाते रहूँगी। और 5 मिनट हो जाने के बाद हमने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करूँगी। देखो मैंने यहाँ पर हल्का सा ग्रेवी बनाऊँगी, इसलिए देखो जितना यहाँ पर मटन और आलू है उतनी ही मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया। आप यहाँ पर ज़्यादा पानी का यूज़ करोगे तो ज़्यादा कड़ी बनेंगे, बट ज़्यादा कड़ी बनने के बाद ना टेस्ट इतनी अच्छे आता नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही यहाँ पर पानी ऐड किया। और यहाँ पर देखो बॉयल निकलना भी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद ये ढक करके हमने रख दूंगी। जब अच्छे से बॉयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा तब हमने एक प्रेशर कुकर का अंदर इस मटन और आलू को ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस मटन और आलू को। और यहाँ पर देखो हमने मटन और आलू को यहाँ पर प्रेशर कुकर का अंदर ट्रांसफ़र कर लिया हूँ। और उसके बाद हमने यहाँ पर ढक कर दूंगी और जब 2 सीटी आ जाएंगे तब हमने गैस का फ्लेम को लो कर दूंगी और लो फ्लेम पर 2 सीटी आने का वेट करूंगी। तो मैंने यहाँ पर सेम प्रोसेस में ये रेसिपी बना लिया हूँ। तो देखो यहाँ पर
और यहाँ पर देखो सारे मटन अच्छे से पक गई है, और देखो ऊपर में कितना तेल भी निकाला। और यहाँ पर ये मटन ज़्यादा भी मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं किया, एकदम गाढ़ा गाढ़ा भी नहीं हुआ। तो आप भी ऐसे तरह ही पानी इस्तेमाल करना और देखना ये अच्छे से ही बन जाएगा। तो यहाँ पर ये आलू मटन करी आप राइस पूरी या फिर पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो मेरे आज का रेसिपी एकदम बन के रेडी हो गई है। तो मेरे आज का रेसिपी आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।